सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक उन्मुख व्यवहार, उसका अर्थ, प्रवृत्ति और विशेषताएं, जिसे अंग्रेजी में प्रोसोशल बिहेवियर कहा जाता है, उसका मीनिंग, नेचर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं भारतीय पारंपरिक साहित्य से, भगवत गीता से, जिसमें सामाजिक उन्मुख व्यवहार के बारे में किस प्रकार की धारणाएं दी गई हैं। गीता में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं हैं जो सामाजिक उन्मुख व्यवहार की तरफ इशारा करती हैं, यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें और भी होंगी, मैंने मुख्य रूप से केवल दो ही हैं जिनको मैंने चुना है, और वो हैं स्वधर्म और निष्काम कर्म। भगवत गीता का जो लिटरेचर है उसके अंदर जो शब्द लिखे गए हैं वो सामाजिक उन्मुख व्यवहार को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वधर्म की, यानी कि आत्मधर्म। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के कल्याण के इरादे से निभाया गया कर्तव्य जो परिपूर्ण संतुष्टि और आनंद देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चर्चा करना लाजमी समझता हूँ कि जो स्वधर्म की जो बात की गई है, धर्म की जो गीता में बात की गई है, वो धर्म किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अन्याय के खिलाफ करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यहां पर धर्म का मतलब कोई हिंदुइज्म, कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई सिख या कोई ईसाई नहीं है। यहां पर धर्म का मतलब है व्यक्ति की कर्तव्य प्रायणता, यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। इस बात को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर कोई किसी प्रकार का डाउट ना हो। यहां पर जो धर्म की बात की गई है वो धर्म का अर्थ होता है आपकी कर्तव्य प्रायणता। कई बार बात करते करते भी छोटे छोटे बच्चे भी भारतीय संस्कृति में कई बार कह देते कि आप ऐसा करोगे तो आपको धर्म होगा। यह धर्म होगा मतलब आप अपने कर्तव्य को पूर्ण करोगे। यह धर्म होने का मतलब ये नहीं है जो हमारे हम जब कोई फॉर्म भरते हैं उसके पीछे एक कॉलम आता है उस फॉर्म में कि आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है। वहां पर हम लिखते हैं हिंदू, जैन, सिख, ईसाई हम लिखते हैं, बौद्ध हम लिखते हैं, यहूदी हम लिखते हैं। लेकिन यहां पर वो धर्म की वो चर्चा नहीं है। धर्म गीता में जो धर्म की बात की गई है वो धर्म है कर्तव्य प्रायणता, आपकी ड्यूटी। और क्लियर मैं करना चाहता हूं कि गीता किसी एक संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति या एक देश की नहीं है। गीता एक लिटरेचर, एक ग्रंथ है जो मानव के में आने वाले बदलाव, परिवर्तन और उसके जो कंफ्यूजन है उसके मन में होता है उनको समझाने के लिए एक ग्रंथ का है ये। तो ये किसी एक की बपोती नहीं है, कोई भी किसी भी समय इसको लेकर पढ़कर ज्ञान ले सकता है। तो ये थी स्वधर्म की बात। और आज हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, वातावरण का सत्यानाश हो रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां IPCC जैसी एजेंसी लगी हैं कि किस तरह से हम एनवायरमेंट को बचाएं, वातावरण को बचाएं। याद रखिए 5000 वर्ष पहले गीता में स्वयं कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के कल्याण के इरादे से निभाया गया, यानी प्राकृतिक और सामाजिक कल्याण, या प्राकृतिक का मतलब एनवायरमेंट है, उसके फायदे के लिए जो हम काम करते हैं, वो कर्तव्य जो हम करते हैं वो स्वधर्मी है और वो सोशल सामाजिक उन्मुख व्यवहार है, प्रोसोशल बिहेवियर नहीं तो क्या है। अगली बात करते हैं हम निष्काम कर्म की। ज्यादातर लोग इसको समझते हैं अर्थ, लेकिन एक बार मैं इसको चर्चा करना यहां पर जरूरी समझता हूं। निष्काम कर्म का अर्थ है आत्मकर्म या इच्छा रहित कार्य, अर्थात फल या परिणामों की उम्मीद के बिना कार्य करने की एक प्रक्रिया को हम निष्काम कर्म कहते हैं। यह प्रोसोशली बिहेवियर है, सामाजिक उन्मुख व्यवहार है, जिसमें व्यक्ति किसी के प्रति मदद करता है, कोई अपना भी स्वयं का भी काम करता है और किसी फल की इच्छा नहीं करता है, वही निष्काम कर्म है। और ये प्रोसोशल बिहेवियर है और ये सामाजिक उन्मुख व्यवहार है। यानी गीता में जो दो अवधारणाएं दी गई, स्वधर्म और निष्काम कर्म, वो सामाजिक उन्मुख व्यवहार को बहुत ही सुंदरता से और बहुत स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन करती है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार। प्रो एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है समर्थन या किसी के पक्ष में, और सामाजिक का मतलब आप समझते ही हैं, समाज से संबंधित या दूसरों की संगत में जब हम आते हैं कि दूसरों की कंपनी में जब आते हैं तो एक समाज, एक सोसाइटी का निर्माण होता है जिसे हम सामाजिक कहते हैं। ये सामाजिक उन्मुख व्यवहार। अब इसकी कुछ प्रवृत्ति पे बात करते हैं, इसके नेचर पे बात करते हैं, इसका नेचर, इसकी प्रवृत्ति है कैसी।
सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बताना क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, इसकी जो प्रवृत्ति है वो मुख्य रूप से स्वेच्छा से होता है। ये यानी स्वेच्छा से दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करना और उनकी सहायता करना सामाजिक उन्मुखवार कहलाता है। सामाजिक उन्मुखवार को परोपकार का समानार्थी शब्द माना गया है। परोपकार को मैं इंग्लिश में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एल्ट्रुइज्म कहते हैं, इसको परमार्थ भी कहते हैं। वो कार्य कर देना, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर देना जिसकी जरूरत है, लेकिन बदले में कोई इच्छा नहीं रखता व्यक्ति कि मुझे कुछ मिलेगा। यानी जो परोपकार है वो सामाजिक उन्मुखवार का एक उपसमुच्चय है, एक सबसेट है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, वातावरण बहुत बड़ी चीज है, इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज है, व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। व्यवहार के अंदर छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वातावरण में छोटे छोटे टुकड़े उसके आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसी तरह से परमार्थ यानी परोपकार भी सामाजिक उन्मुखवार का एक हिस्सा है, एक उपसमुच्चय, एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि सबसेट है। आप देखेंगे यह बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। सामाजिक उन्मुखवार की बात करते हैं कि बच्चे भी इसको करते हैं। आप देखेंगे, आप बैठे हुए हैं, आपका कुछ गिर गया नीचे, ज़्यादा टीचर के साथ बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं, अगर कुछ गिर जाता है, पेन गया सर आपका, पेन गिर गया मैम आपकी, रुमाल गिर गया, ये उसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है उनको, लेकिन वो सामाजिक व्यवहार है। वो उनकी दूसरे बच्चों की मदद करते हैं। कोई छोटा बच्चा गिर जाता है, दूसरा बच्चा दौड़ के उसको उठाता है, उसे बदले उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करते हैं। बच्चे भी, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीका हो सकता है। ये सामाजिक व्यवहार की प्रकृति कुछ हिस्से थे, थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक व्यवहार विचारों एवं वस्तुओं को साझा करने, हम शेयर करते हैं, अगर कोई वस्तु भी साझा करते हैं, विचार भी साझा करते हैं, तो भी सामाजिक व्यवहार है। किसी की मदद करने, किसी का पक्ष लेने, पक्ष लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि यू हैव टू बी हेल्पफुल, दान करने, दूसरों को सांत्वना देने के रूप में भी हो सकता है। सांत्वना का मतलब है पीठ थपथपाना, किसी को कंसोलेशन करना, ये भी एक तरह सामाजिक व्यवहार होता है। अब इसमें देखेंगे हम, सीखना और सामाजिक वातावरण सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो सीखने का अर्थ है, ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया जो कंसेप्ट है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का, सीख कर हम रोल मॉडल का, देख कर सीखने का, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर बच्चे या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को सामाजिक अनुभव करता देखता है और उसको बार बार देखता है, तो वो भी चीज को सीख लेता है। और सामाजिक वातावरण भी, आप जिस सामाजिक वातावरण में पले हैं, जहाँ लालन पालन आपका हुआ है, वो भी आपके सामाजिक अनुभव को काफ़ी प्रभावित करता है। दूसरा कंसेप्ट हम बताते हैं, तदनुभूति यानी एम्पैथी। तदनुभूति का साथ है इसका सकारात्मक और उच्च संबंध पाया जाता है, यानी सामाजिक अनुभव का। सबसे पहले समझ लें तदनुभूति होती क्या है। तदनुभूति का अर्थ ये है कि दूसरों की भावनाएं, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की इमोशंस को पूर्ण रूप से, जेन्युइन रूप से समझ लेना और वैसा ही व्यवहार करना। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको समझें और उसको और परेशान ना करें, और उसकी परेशानी को समझते हुए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। यह है तदनुभूति यानी एम्पैथी। आप पाएंगे यहाँ पर कि तदनुभूति और सामाजिक अनुभवार में उच्च और सकारात्मक से संबंध है। इसका मतलब यहाँ पर यह साफ साफ शब्दों में है कि जिन व्यक्तियों में एम्पैथी ज़्यादा पाई जाती है, उनमें प्रोसोशल बिहेवियर भी ज़्यादा होगा, और जिन व्यक्तियों में प्रोसोशल बिहेवियर ज़्यादा होता है, उनमें एम्पैथी का लेवल भी ज्यादा होगा। यह मतलब होता है सहसंबंध, और सकारात्मक और उच्च होता है। हम इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल सदाचार, स्वार्थ, स्वार्थ के लिए भी होता है। यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की गई है, और वो कहते हैं, ये बताते हैं इस बात के कि हम कैसा भी प्रोसोशल बिहेवियर या सामाजिक व्यवहार करें, उसमें हमारा थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है। चाहे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, चाहे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इलेशन मिलता है या आनंद मिलता है, उसमें भी थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है। यानी ये बात है, जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन के लिए भी सामाजिक अनुव्यवहार किया जाता है, किसी काम के लिए, नीति परक यानी आपका मॉरल वैल्यूज के लिए, सामाजिक कारणों आदि से भी, कारकों कारण भी सामाजिक अनुव्यवहार किया जाता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार करने वाले लोगों का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बेहतर पाए जाने की अधिक संभावना होती है। बिल्कुल बात सही है, रिसर्च ने इसको प्रूव किया है कि जो लोग ज़्यादा सामाजिक अनुव्यवहार करते हैं या उसकी तरफ ओरिएंटेड होते हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, दैट इज फाउंड टू बी बेटर। साइकोलॉजिकल हेल्थ का मतलब यहाँ पर है, उनके अंदर स्ट्रेस होती है, उनके अंदर टेंशन होती है, काफ़ी कम पाई जाती है, और वे अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बात थी आपकी कि साइकोलॉजिकल हेल्थ भी सामाजिक अनुव्यवहार से किस तरह से ये रिलेटेड है। कुछ विशेषता की हम बात करते हैं
किसकी? सामाजिक व्यवहार की कुछ विशेषताएं देखिए आप, इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की मदद करना है या उनके लिए कुछ अच्छा करना होता है, इसकी विशेषता है। पीएसबी यानी सामाजिक व्यवहार के बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना किया जाता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात, ये स्वेच्छा से किया जाता है, वॉलंटरली किया जाता है। चौथा, इसमें कोई बाहरी दबाव शामिल नहीं होता, कोई इसको जबरदस्ती नहीं करा सकता किसी से, ना कोई इसको प्रेशर दे करा सकता है। यानी पांचवी बात करते हैं, सामाजिक उन्मुख व्यवहार में शामिल व्यक्ति को कुछ ना कुछ व्यवहारिक या वित्तीय कीमत चुकानी पड़ती है। इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति सामाजिक उन्मुख व्यवहार करता है उसको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। आप किसी की मदद करते हैं, आपने ऊर्जा लगाई, आपने समय लगाया, आपने अपने कपड़े भी गंदे हो गए वो धोने पड़ेंगे, साबुन तो लगेगी ना उसमें, यानी उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। किसी की आपने पैसे से मदद करी, किसी का आपने खाना खिलाया, समवेयर आपने विचारों से मदद करी, यू आर कंज्यूमिंग योर एनर्जी। दिस मीन्स हमें किसी प्रकार से कोई जो व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है उसको कोई व्यवहारिक या वित्तीय कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। और अंत में देखते हैं इसकी विशेषताओं के, तदनुभूति से परिपूर्ण कार्रवाई होती है, यानी सामाजिक अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति में तदनुभूति होगी या तदनुभूति का लेवल ज़्यादा होगा, यानी कि तदनुभूति पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंदर होती है जो कि प्रोसोशल बिहेवियर करता है। इसके कुछ घटक देखिए, सहायता लागत, सहायता लागत ये जब आप किसी की मदद करेंगे तो कोई ना कोई कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, जिसे हम सहायता लागत कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है शारीरिक आकर्षण। आप देखेंगे कि बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं उनको प्रोसोशल बिहेवियर जल्दी होता है, यानी उनको लोग जल्दी मदद करते हैं, सामाजिक व्यवहार उनके लिए लोग जल्दी करते हैं। अगला देखते हैं, इसमें जो शामिल व्यक्ति होता है उसकी मनोदशा, किसी मूड भी एक बड़ा घटक है। कई बार आप किसी को लिफ्ट दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं क्योंकि आपका मूड पे है। कई बार किसी बात पर हफ देते हैं और कई बार उसी वैसी बात पर आप नहीं हंस पाते हैं क्योंकि ये आपका मूड की बात है, भावदशा की बात है, मनोदशा की बात है। फिर आगे करते सामाजिक व्यवहार में शामिल व्यक्ति के लिए नियमित अनुभव, पीएसबी का नियमित अनुभव। बार बार अगर हम एक्सपोजर देते हैं बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को कि वो किसी सामाजिक व्यवहार उनको दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं या उनको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी बार बार सोशल व्यवहार करेगा। सहायता देने वाले व्यक्ति का व्यक्ति पर्सनैलिटी भी काउंट होती है। जो व्यक्ति पीएसबी में शामिल होता है उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये भी एक मुख्य घटक है। और सामाजिक और पारिवारिक मूल्य कैसे, किन समाज में, किन परिवारों में आपका लालन पालन हुआ है और कैसे वहाँ के मूल्य रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है सामाजिक व्यवहार का। और अंत में देखते हैं इसका सामाजिक लालन पालन, कि कैसा सांस्कृतिक आपका लालन पालन रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ इसके कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रोसोशल बिहेवियर को या सामाजिक अनुभव को प्रभावित करते हैं, चार पांच सात कारक एक बार देख लेते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सोशल है, सोशल बिहेवियर होता है यानी सामाजिक अनुभव होता है, वो इन व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति होती है यानी जेनेटिक्स होती है। हर व्यक्ति में पीएसबी पाया जाता है लेकिन लेवल हो कम हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। फिर आप देखेंगे सामाजिकरण और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं बहुत सारे, जो सोशल के कारण होते हैं, सोशलाइजेशन के कारण या कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जो सामाजिक अनुभव को प्रभावित करते हैं। फिर एक सामाजिक जिम्मेदारी, आप जब आप समझते हैं कि ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है तो आप पीएसबी करोगे, अगर नहीं तो नहीं करोगे। पारस्परिकता, लेन देन, आपसे लेन देन, आपके लिए किसी ने मदद की कोई आपके लिए मदद करेगा, इसको पारस्परिकता कहते हैं। और निष्पक्षता, आप किसी का पक्ष ना लें, और तो भी एक तरह सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। सहायता पाने की अपेक्षित प्रतिक्रिया और अनुक्रिया, जो व्यक्ति सहायता पाना चाहता है वो क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा जब आप उसकी सहायता करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप किसी व्यक्ति की ऐसी की मदद कर दो, उसको मदद की जरूरत ही नहीं है, ये भी आप जब आपको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति की मदद कर दी, ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा, आपने मेरे को जरूरत नहीं दी, मैं ऐसा थोड़े हूँ, इन दैट केस क्या होगा, अगली बार आप सामाजिक व्यवहार करने से पहले सोचोगे आप, यानी कारक ने प्रभावित कर दिया ना, और उसकी इस रिस्पॉन्स कैसा रहा। जब आपने उसकी मदद कर दी, कोई खुश होता है किसी की मदद को पा के, तो आप ऐसा व्यवहार दोबारा करोगे, इट एक्ट्स एज अ रीइन्फोर्समेंट, आपके लिए प्रबल का काम करता है। आगे हम देखते हैं सामाजिक व्यवहार में शामिल व्यक्ति में सहानुभूति का स्तर कितना है। यहाँ पर सहानुभूति और तदनुभूति दोनों बात करते हैं हम, सिंपैथी और एम्पैथी, दोनों का अगर लेवल ज़्यादा है तो भी प्रभावित करेगा पीएसबी को, और अगर कम है तो व्यक्ति कम पीएसबी करेगा, ये तो साफ सी बात है। और दर्शक उपस्थिति यानी कि बाईस्टैंडर इफेक्ट, यानी जितने दर्शक ज़्यादा होंगे सामाजिक उन्मुख व्यवहार उतना कम होता है, ये लिटाने ने और डार्ले ने कॉन्सेप्ट बताया था, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दर्शकों की उपस्थिति भी पीएसबी को इफेक्टिव करती है। और अंत में देखते हैं कि सिचुएशन कारक, क्या क्या स्थितियाँ ऐसी है, कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप पीएसबी नहीं भी करना चाहते तो कर देते हो, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है पीएचडी करना चाहते हो, सामाजिक अनुभव करना चाहते हो, तब भी आप नहीं करते हो। तो दोस्तों आज का हमारा विषय था सामाजिक अनुभव, उसका अर्थ,
प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स और कुछ कौन कौन से फैक्टर कारक उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कुछ मैंने आप देख सकते हैं आपके सामने है कि किस तरह से मैंने ये कहाँ कहाँ से लिए हैं, ये मेरे रेफरेंसेज या संदर्भ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा वो होगा सामाजिक उन्मुख व्यवहार के निर्धारक क्या क्या उसके डिटर्मिनेंट्स हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम जल्दी ही मिलेंगे। इस बीच अगर आपको किसी को इस मेरे व्याख्यान से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे verma.sujit@yahoo.com पर लिख सकते हैं, मैं अपने ओपन हृदय से उन बातों को स्वीकार करूंगा, अगले वीडियो में सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।